प्रदेश भर में नकली मावे का कारोबार करने वाले गिरोह होली को देखते हुए फिर से सक्रिय हो गए। ये नकली मावा मेरठ में पहुंचने की तैयारी में है। फूड विभाग ने कई जगह पर छापेमारी करते हुए 20 क्विंटल से ज्यादा नकली मावा पकड़कर नष्ट कर दिया। हमारे संवाददाता लोकेश टंडन से जिला अभिजीत अधिकारी अर्चना धीरान से बातचीत करते हुए कहा कि त्योहार पास आते ही उनका मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया और ऐसे में पूरे जिले में अलग अलग टीमें बनाकर छापेमारी शुरू कर दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा देहात से नकली मावा, टोफू पनीर और मिलावटी मिठाइयां पकड़ी गई, जिनके सैंपल लेकर नष्ट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जो चमकदार कलरफुल मिठाइयां लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, वास्तव में वो मिठाइयां लोगों के लिए जहर हो सकती हैं, क्योंकि चमकदार और रंगीन मिठाइयों में केमिकल मिलाया जाता है। इसलिए चमकदार, रंगीन और आकर्षित मिठाइयों से जनता को बचने की सलाह भी दी गई है। उन्होंने नकली मावा और नकली दूध की पहचान भी हमसे साझा की। त्यौहार पास आते ही मिलावटखोरों पर फूड विभाग का चाबुक चलना शुरू हो गया है और अब भी फूड विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जो काला कारोबार अपना सफेद मिठाई के रूप में कर रहे हैं उन ऐसे मिलावटखोरों को पकड़ रही है फूड विभाग की टीम और जो मावा है उसको नष्ट भी कर रही है। और अभी भी काफी मात्रा में मावा फूड विभाग की टीम ने पकड़ा है और जो टोफू पनीर होता है वो भी पकड़ा है। मेरे साथ ज्यादा बात करने के लिए खुद मौजूद हैं जो अभीत अधिकारी हैं अर्चना धीरान, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। मैम, लगातार आप लोग छापेमारी करते हैं, पिछली बार भी आपने छापेमारी करी और अब भी छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन ये मिलावटखोर बाज क्यों नहीं आते? हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई तो लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि बाज नहीं आते, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और कुछ जो नए लोग हैं इसमें थोड़ा सा मिलावट वगैरह कर रहे हैं नए लोग, तो उन पे भी शिकंजा कसा जा रहा है और इस तरह की उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि उन पे सुधार अवश्य होगा। अच्छा, अभी कितनी देर आपने छापेमारी की है और कितना मावा या मिठाई या पनीर आपने पकड़ा है? इस समय हमारा होली का अभियान 28 तारीख से शुरू हो चुका था और लगभग पूरे जनपद में कार्यवाही लगातार चल रही है और लगभग 20 क्विंटल का जो मटेरियल है वो उसका सीजर किया जा चुका है, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है और करीब 12.5 क्विंटल का माल जो है डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। अच्छा मैम, त्योहार के सीजन पर ये मिलावटखोर क्यों सामने आते हैं, क्यों ये लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं? त्योहार के सीजन पे बेसिकली क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है आर्टिकल्स की, फूड आर्टिकल्स की, जिससे कि सप्लाई करने के लिए वो इस तरह की मिलावट वगैरह का कार्य करते हैं और इसी के लिए हम उनसे बार बार अपील करते हैं कि इस तरह का कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि हमारा विभाग इस समय पूर्णतया सक्रिय है और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मैम, क्या क्या उन पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आप लोग मैंने देखा क्या छापेमारी करते हैं उसके बाद फिर दोबारा वो लोग अपना वो जो काला धंधा होता है सफेद मिठाई के रूप में शुरू कर देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से कार्रवाई बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है। पहले हम लोग उनके सैंपल्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद जो सैंपल जिसपे हमें पूरा यकीन होता है कि ये बहुत खराब है तो उसको या तो हम सीज कर देते हैं या फिर उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं सैंपल लेने के साथ ही। उसके बाद ये सैंपल्स लैब भेजे जाते हैं, वहाँ से इनकी एनालिसिस होती है, देन उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के आधार पर फिर उन पर आगे मुकदमे दायर होते हैं जिसमें कि जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। अच्छा, ये कहा जाता है कि इस शहर में मिलावटखोरी ज्यादा होती है लेकिन अगर दूध लेना हो, घी लेना हो या मिठाइयां लेनी है तो गांव जाओ, लेकिन गांव में तो आप सबसे ज्यादा छापेमारी कर रही हैं। एक्चुअली हमारा फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे है, जहाँ से रॉ मटेरियल का आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, जो उसका सोर्स है, हमारे फोकस उन पर है कि हम उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे करें ताकि वहीं से उनकी सप्लाई बंद हो जाए या फिर जो भी हो तो सुधार हो करके सप्लाई हो, इसलिए हमारा फोकस देहात पर भी है और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शहर में है वहाँ पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो वो इन मिलावटखोरों से बच सके, क्या क्या लक्षण होते हैं इन मिलावटखोरी की, जो मिठाइयाँ होती हैं उनमें, या बचने के तरीके क्या क्या होते हैं इनके?
बचने के तरीके में कुछ ये होते हैं कि जो हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, जैसे कलर्ड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, कलर्ड मिठाइयाँ होती हैं, तो उसमें हम बार बार सबसे यही कहते हैं कि कलर्ड मिठाइयों से बच करके रहें। बहुत हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे कैंप्स का भी आयोजन समय समय पर किया जाता रहता है, जिसमें कि हम उनको अडल्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं कि किस तरह से हम अडल्ट्रेशन को पहचान सकते हैं कि उसमें फूड आइटम अडल्ट्रेटेड है या नहीं है। छोटे छोटे टेस्ट उनको हम बताते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को जानकारी में रखते हुए उनका प्रयोग करते हुए आम आदमी जान सकता है कि ये चीज़ खाने योग्य है कि नहीं है। हम उनको ये भी बताते हैं कि जो पैकेज आइटम होता है उस पर किस तरह से उनको मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, एक्सपायरी डेट देखनी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो इन सब चीज़ों से फिर दूर रह सकते हैं। अच्छा मैम, मावा आपने भी काफ़ी मात्रा में पकड़ाया है, आपने बताया कि लगभग 4.5 लाख से 5 लाख रुपए का मावा आपने पकड़ा है, तो आम लोग उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे असली और नकली? मावे को एक तो आप हाथ से थोड़ा सा करके देखिए उसको, यदि वो भुरभुरा करके गिर जाता है इसका मतलब वो कि SMP है और उसमें फैट नहीं है, और आप उसको स्मेल करके भी देख सकते हैं, यदि उसमें रिफाइंड जैसी स्मेल आ रही इसका मतलब उसमें रिफाइंड ऑयल मिक्स है, और क्योंकि अच्छा मावा में तो देसी घी की महक आती है और उसका एक गोली जैसी बन जाती है। दूसरा कुछ टेस्ट हमने आमतौर पर सबको बताया भी है कि टिंचर आयोडीन का टेस्ट होता है, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिक्स करते हैं तो यदि ब्लूइश हो जाता है इसका मतलब इसमें स्टार्च मिक्स है। और मैम दूध की अगर मैं बात करूँ तो दूध में भी आजकल मिलावट खोरी ज्यादा हो रही, क्योंकि दूध से ही सारी मिठाइयाँ बनती है, तो दूध की कैसे पहचान की जाती है? दूध का भी एक तो दूध में एक ये छोटे छोटे टेस्ट हमने बताए हुए हैं, एक तो यही होता है कि उसको ड्रॉप डाल करके देखिए, उसको थोड़ा सा किसी प्लेट पर उसको टिल्ट कर दीजिए, यदि वो व्हाइट ट्रेल छोड़ देता है तो दैट मीन्स वो प्योर है, और यदि पानी की तरह से बह जाता है इसका मतलब उसमें पानी मिक्स है, और या फिर आप उसको बॉयल करके देखिए, यदि वो बॉयल हो जा उसमें नींबू डालिए, यदि वो फट जाता है तो पनीर बनता है उसका, तो उसका मतलब ये वो प्योर है, और यदि वो फटता नहीं है तो उसका मतलब वो इम्प्योर है। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ थे अभी तक अधिकारी अर्चना ध्यान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चमकीली मिठाइयां हैं उनकी चमक से बचिए, क्योंकि वो आपके लिए जहर हो सकती है, वो मिलावटखोरी हो सकती है, और मावे के उन्होंने टेस्ट बताए हैं, साथ साथ जो मिलावटी दूध होता है उसके बारे में बताया, और जगह जगह अभियान अपना जो फूड विभाग की टीम है वो चला रही है, और काफी मात्रा में पनीर सहित मावा जो है वो भी पकड़ा, और मिठाइयां भी लगातार पकड़ी जा रही है जिनको नष्ट भी किया जा रहा है। मेरठ से अपने सहयोगी राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।